नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। खबरों के नहले पे विश्लेषण का दहला लेकर मैं फिर हाजिर हूं। राफेल विवाद में राहुल गांधी जिस अधूरे सबूत के साथ सामने आए, उसका पूरा सच क्या है? सीबीआई के साथ लड़ाई में कोलकाता पुलिस ने किस पर निशाना साधा? पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार से लड़ाई में ममता बनर्जी ने भूषण युद्ध का बिगुल क्यों फूंका? मायावती को क्यों महंगा पड़ा मूर्तियों का मोह? धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाली कांग्रेस अब पोस्टरों में हिंदुत्व की कौन सी झांकी दिखा रही है? कर्नाटक में सियासी नाटक कब तक चलेगा? यूपी में जहरीली शराब कांड का जिम्मेदार कौन है? राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चुनाव से ठीक पहले क्यों भड़का? ऐसी हर बड़ी खबर के नहले पे सटीक विश्लेषण का दहला आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नहले पे दहला इस वक्त की टॉप 25 खबरों के साथ। राजस्थान में 5% आरक्षण के लिए एक बार फिर भड़की गुर्जर आंदोलन की आग। महापंचायत में आरक्षण के लिए आंदोलन तेज करने का ऐलान। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में करीब 4000 समर्थक सवाई माधोपुर स्टेशन पर धरना दे रहे हैं। रेलवे ने स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई। राफेल डील पर एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा डील में पीएम मोदी सीधे तौर पर शामिल। निर्मला सीतारमण ने संसद में रिपोर्ट पर सवाल उठाए, कहा नोटिंग के नीचे तत्कालीन रक्षा मंत्री के जवाब को अखबार ने नहीं छापा। राहुल गांधी के आरोप पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया, कहा झूठ बोलना कांग्रेस अध्यक्ष की आदत बन गई है। लखनऊ में 11 फरवरी को एक साथ रोड शो करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रोड शो में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ममता सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा चाय वालों से चिढ़ती है ममता। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया, कहा चुनाव से पहले चाय वाला और चुनाव के बाद राफेल वाला बन जाते हैं पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में धरने पर बैठे अधिकारियों पर और बड़ा विवाद, केंद्र के निर्देश के खिलाफ ममता सरकार ने बंग विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया। कोलकाता में नागेश्वर राव की पत्नी की कंपनी पर पुलिस ने छापा मारा, सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक है नागेश्वर राव। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, कहा ठगी और धोखाधड़ी कांग्रेस की रग रग में है। भोपाल में राहुल गांधी ने कहा कि किसान और नौजवान हमारे मालिक हैं, हमारी कर्ज माफी से घबराकर पीएम को किसानों की याद आई। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी का बीजेपी पर हमला, कहा हमारे विधायकों को चुराने की कोशिश हो रही है, विपक्ष मिलकर करेगा विरोध। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या को 7195 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मायावती सरकार में मूर्तियों पर खर्च को सुप्रीम कोर्ट ने लौटाने का आदेश दिया है, 2 अप्रैल को मामले पर अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन के लिए हड़ताल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया है, बुधवार से लाखों कर्मचारी हड़ताल पर थे। यूपी के कुशीनगर, सहारनपुर और उत्तराखंड के रुड़की में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत हो गई है, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। गुजरात के सूरत में कारोबारी को दबंगों ने पीटा, हफ्ता न देने पर दुकान में घुसकर मारपीट की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवैध तरीके से गर्भपात कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 राज्यों में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अंकित भादू को पंजाब पुलिस ने ढेर किया, एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी और 6 साल की बच्ची घायल हुई है। गुजरात के नवसारी में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जमकर उड़ाए नोट, कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में टक्कर के बाद खाई में गिरी बस, हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल। ऑकलैंड T20 मुकाबले में टीम इंडिया की जीत, सीरीज में टीम इंडिया ने 1-1 से बराबरी की। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से लगातार 3रे दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद रहा, डोडा में सड़क बंद होने से घरों में फंसे लोग। ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात से पहले अमेरिका के विशेष दूत स्टीफन बिगन उत्तर कोरिया पहुंचे, 27 और 28 फरवरी को वियतनाम में होगी 2रे दौर की वार्ता।
राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर एक बार फिर पटरी पर बैठ गए हैं। 5% आरक्षण नहीं मिलने तक गुर्जर समुदाय ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन का नेतृत्व गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला कर रहे हैं, जिनकी अगुवाई में करीब 4000 गुर्जर समुदाय के लोग सवाई माधोपुर स्टेशन पर धरना दे रहे हैं। बैसला के ऐलान के बाद भरतपुर, कोटा और सवाई माधोपुर के साथ कई अन्य जगहों पर ट्रेनें रोकी गई हैं। राजस्थान के मलराना और डूंगर में हुई महापंचायत में आरक्षण के लिए आंदोलन करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में लोग रेलवे ट्रैक की ओर कूच कर गए। इस दौरान किरोड़ी सिंह बैसला ने गुर्जर आरक्षण के ऐलान तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। सर, काफी लंबे समय से आपकी बात की आरक्षण की बात कर रहे हैं और आज एक बार फिर गुर्जर समाज जो है रेलवे ट्रैक पर। देखिए, हमने 20 दिन का राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि जब सेवर्णों को 10% आरक्षण 6 दिन में दिया जा सकता है, संविधान में परिवर्तन करके दिया जा सकता है, तो ये घोर अन्याय गुर्जर और अति पिछड़ा जातियों के साथ क्यों किया जा रहा है। 20 दिन में सरकार ने कोई सुध नहीं ली। जो 6 दिन में सेवर्णों को 10% आरक्षण दे सकते हैं, वो 5% आरक्षण 20 दिन में नहीं दे सकते। तो मजबूरी में मजबूरन सरकार ने आंदोलन के लिए प्रेरित किया और पूरा समाज आ ट्रैक पे, पूरा राजस्थान जाम है, आर पार की लड़ाई है। हमें 5% चाहिए, इसके अलावा हम यह ट्रैक खाली नहीं करेंगे। 5% का नोटिफिकेशन सरकार ले आए और हम उसकी वाहवाही। हम तो कर लेंगे, हम तो करेंगे। कर्नल साहब, काफी आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या रहेंगे जब तक हमारा सरकार से किसी तरह की कोई वार्ता नो वार्ता अगर सरकार से प्रस्ताव आता है वार्ता का तो क्या अगर ट्रैक पे कोई लोग मैं यही देखना मांगता हूँ मेरा आरक्षण का बिल्कुल ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जिन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी और सीधे तौर पर इस बार गुर्जर जो समाज है वो आर पार की लड़ाई लड़ के मूड में है। जब तक इनको आरक्षण नहीं मिलेगा गुर्जर समाज के लोग जो है पूरी तरह से ट्रैक पर डटे रहेंगे। बजरंग सिंह राजावत, इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जर समाज से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सरकार ने आरक्षण की मांग पर विचार करने के लिए 3 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। समाज में अपील करना चाहेंगे कि शांति बनाए रखें, अपनी कोई बात है तो वो सरकार को बताएं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर फैसले होने चाहिए, क्योंकि अब तो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है इस रूप में कोई अगर एसपीसी का कोई सोच होता है जनों का तो पार्लियामेंट भी संशोधन सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की तो कोई काम बाकी रहा नहीं, तो हमको समझाने के लिए कोई कमेटी बात क्योंकि कोई अगर गलतफहमी है तो सरकार कोई तैयार है बात सुनने में जो मछुआ होंगे उसके अकॉर्डिंग तो अगर समझाने लिए तो कोई बात बाकी है तो हम लोग करने के लिए तैयार है। पहले भी हमारी गवर्नमेंट थी तो 5 साल तक जो हमारी एसपीसी के लोग हैं उनकी जितनी मांगे थी उनको पूरा करना और केंद्र हाईकोर्ट में रोक भी लगा थी। गुर्जर आंदोलन से अब तक 100 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित बताई जा रही हैं। राजस्थान के बयाना और हिंडौन स्टेशन पर चंडीगढ़ सुपरफास्ट ट्रेन और जनशताब्दी ट्रेन को पिछले 3 घंटे से स्टेशन पर खड़ा रखा है, जिससे ट्रेन में मौजूद लोग परेशान हैं। चंडीगढ़ से गोचुवली जाती है, एहतियात तौर पर उसको रोका गया है आगे हेजिटेशन की संभावना को ध्यान में रखते हुए। जनशताब्दी हिंडौन में है फिलहाल। ये गुर्जर आरक्षण को लेकर ही सर? हाँ, इसकी संभावना को ध्यान में रखते हुए रुके हुए। कब से खड़ी है गाड़ी सर? लगभग आधा घंटा हो गया इसमें। और हिंडौन की तरफ और जाने वाली गाड़ियां कैसे रही सर आगे? अभी देखो रेल प्रशासन ने कोटा की तरफ जाने वाली गाड़ियों को अलग अलग स्टेशनों पर रेगुलेट किया है, जिस संभावना चलाने की बची रहेगी।
अरबों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले केस में सबूतों को मिटाने के आरोपी कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार कल होने वाली सीबीआई पूछताछ के लिए शिलांग पहुंच गए हैं। बताया गया है कि राजीव कुमार से शनिवार को पूछताछ होनी है, लेकिन एक दिन पहले ही वो शिलांग पहुंच चुके हैं। राजीव कुमार के साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार और आईपीएस अपराजिता राय भी शिलांग पहुंची है। सुप्रतिम सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठने की वजह से उनका मेडल वापस लेने का फैसला लिया है। इधर सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम भी पहले कोलकाता पहुंची, इसके बाद शिलांग के लिए रवाना हुई, जहां कल वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शारदा चिटफंड घोटाले में सवाल जवाब करेगी। दरअसल पिछले रविवार की शाम सीबीआई की टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के घर पर पूछताछ करने के लिए गई थी, लेकिन इस टीम को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया और धरने पर बैठ गई। इस दौरान उनके धरने वाली जगह पर राजीव कुमार के अलावा डीजीपी वीरेंद्र कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इसके दूसरे दिन यानी सोमवार को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और मंगलवार को कोर्ट ने फैसला दिया कि चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के समन पर कोलकाता पुलिस आयुक्त को शिलांग में सीबीआई दफ्तर में हाजिर होना होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि उनके साथ सीबीआई किसी तरह की कोई सख्ती नहीं करेगी और न ही उनकी गिरफ्तारी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। इस बीच चिटफंड मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच जमकर सियासत वार पलटवार हुए। कोलकाता पुलिस की ओर से इस समय सीबीआई के पूर्व निदेशक एम नागेश्वर राव के दो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। नागेश्वर राव और उनकी पत्नी के ठिकानों पर छापेमारी दो जगहों पर हुई है, इनमें कोलकाता और दूसरी सॉल्ट लेक में छापेमारी की गई। बताया गया कि नागेश्वर राव की पत्नी की कंपनी एंजेलिना मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड पर रेड अब भी जारी है। हालांकि पूर्व अंतरिम सीबीआई चीफ एम नागेश्वर राव ने एक बयान जारी कर एंजेला मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का लिंक होने से इनकार किया है। ये छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार से शनिवार को सीबीआई की पूछताछ होनी है। बीते दिनों शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची थी। कहा जा रहा है कि तब नागेश्वर राव के आदेश पर ही सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई की टीम को ही हिरासत में ले लिया था। वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में फिर से हुंकार भरी। इसके साथ ही मोदी ने जलपाईगुड़ी में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान जनता ने मोदी जी का स्वागत में जमकर नारे लगाए। रैली के दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार और कांग्रेस को निशाने पर लिया। मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर चाय वालों से ममता दीदी को इतनी नफरत क्यों है। इसके साथ ही मोदी ने दोहराया कि पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुष के नाम पर जिनको आपने सत्ता दी थी और कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाने का जिम्मा दिया था, उन्होंने वही खून खराबे का पॉलिटिकल कल्चर अपना लिया है। मोदी ने शारदा चिटफंड घोटाले का भी जिक्र किया और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात कही। यहां की चाय देश और दुनिया बड़े चाव से पीती है और चाय की बात करते हुए ही मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर चाय वालों से दीदी को इतनी चीड़ क्यों है। माँ माटी मानुष के नाम पर जिनको आपने सत्ता दी, जिनको कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाने का जिम्मा दिया, उन्होंने वही खून खराबे का पॉलिटिकल कल्चर अपना बना लिया है। जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लूट जाने की वजह से प्राण त्याग दिए, उनके परिवार वाले आज ममता दीदी से सवाल पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं चिटफंड घोटाले की जांच से आप इतना क्यों डरी हुई है। मिशन बंगाल से पहले पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे। मोदी ने यहां नए भारतदेश का संकल्प लिया और सूबे की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किसानों को ठगने और लूटने का आरोप लगाया और जनता को महागठबंधन की महामिलावट से सावधान रहने की सलाह दी। ये महामिलावट
ये देश को बीमार करने वाली बीमारी का दूसरा नाम है। बीजेपी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किए हैं। पीएम मोदी का वही अंदाज और वही तेवर, एक तरफ जनसैलाब और दूसरी तरफ मोदी का कांग्रेस पर मास्टर स्ट्रोक। आपका प्यार। आज पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चुनावी हुंकार भरी और 2019 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका। मोदी ने नए भारत के लिए नया जनादेश का संकल्प लिया और राज्य की बघेल सरकार पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने एक मुहावरे के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा तो दूसरी तरफ महागठबंधन पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए और कहा कांग्रेस ने राज्य में सीबीआई के घुसने पर इसलिए रोक लगाई है क्योंकि वो डरे हुए हैं। मोदी ने मंच से जनता को महागठबंधन की महामिलावट से सावधान रहने की सलाह दी। हमारे यहाँ कहावत है ना कि पुत्र के लक्षण पालने में, यही कहते हैं ना। इस सरकार ने शुरुआत में काम किए उससे पता चलता है कि उनका इरादा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके तौर तरीके क्या है। साथियों, यहां की सरकार ने पहला काम किया आयुष्मान भारत, पीएम जय यानी मोदी केयर से छत्तीसगढ़ को हटाने का निर्णय किया। दूसरा फैसला क्या किया? दूसरा फैसला उन्होंने किया सीबीआई को राज्य में आने नहीं देंगे। ये महामिलावट, ये देश को बीमार करने वाली बीमारी का दूसरा नाम है। इस महामिलावट से देश को चौकन्ने रहना होगा, जागरूक रहना होगा और महामिलावट को किसी भी हालत में हमें घुसने नहीं देना है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीब और किसानों को ठगने और लूटने का काम किया है। कांग्रेस दलालों और बिचौलियों से फली फूली पार्टी है। गरीबों को बर्बाद करने वाली कांग्रेस को जनता माफ नहीं करेगी। रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सल्तनत दलालों और बिचौलियों के एक मजबूत तंत्र से फली फूली है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ लें, आपने 55 साल गरीबों के नाम पर देश को गुमराह किया, गरीबों को बर्बाद किया, उनके सपनों को कभी अंकुरित तक होने नहीं दिया। हमने 55 महीने के भीतर भीतर गरीबों में एक नया विश्वास भरा है, नया जोश भरा है, नए सपने सजाए हैं और उसकी उंगली पकड़ करके आगे निकलने के रास्ते खोजे हैं। और इसलिए अब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने पैरों पर खड़े होने लगा है। ये आपको चुभ रहा है। आपको बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 10 सीटों पर परचम लहराया था। इस बार भी मोदी ने मिशन 2019 को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव में 60 दिन से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी फिजा क्या रंग लाती है ये वक्त खुद तय करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर एक मीडिया रिपोर्ट के बहाने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि रक्षा मंत्रालय के समानांतर पीएमओ फ्रांस सरकार के साथ राफेल पर मोलभाव कर रहा था, लेकिन राहुल ने रक्षा सचिव की जिस चिट्ठी का हवाला दिया बीजेपी ने उसे अधूरा करार दे दिया। राहुल की चिट्ठी के जवाब में रक्षा मंत्रालय ने दूसरी चिट्ठी जारी कर दी। आज दिन भर राफेल पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से शब्दों की जबरदस्त बमबारी हुई। मिस्टर होलैंड सेड नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आए और नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, एचएएल को परे करना है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो साबित कर दिया है कि जो होलैंड जी ने कहा था वो सच था और नरेंद्र मोदी जी राफेल मामले में गिल्टी है। आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला, लेकिन इस बार राहुल गांधी एक अखबार में छपी खबर को आधार बनाकर सामने आए थे।
राहुल गांधी ने खबर का हवाला देकर दावा किया कि राफेल की डील में एक तरफ रक्षा मंत्रालय फ्रांस की सरकार से मोलभाव कर रहा था और दूसरी तरफ सीधे पीएमओ भी फ्रांस सरकार से राफेल खरीद को लेकर सौदेबाजी कर रहा था। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से वायुसेना आर्मी और नेवी के लोगों से जवानों से बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 24 नवंबर 2015 को रक्षा मंत्रालय ने एक नोट के जरिए ये कहा कि पीएमओ के दखल के चलते फ्रांस से बातचीत कर रहे रक्षा मंत्रालय के दल की पोजीशन कमजोर हुई। इस नोट को तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को लिखा गया कि वो पीएम को ये सलाह दे सकते हैं कि समानांतर बातचीत को रोका जाए। इस नोट में ये भी कहा गया कि अगर पीएमओ को रक्षा मंत्रालय की बातचीत पर भरोसा नहीं तो वो नए सिरे से पीएमओ की अगुवाई में राफेल पर बातचीत शुरू करें। राहुल ने आज फिर दोहराया कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते संसद में भी राफेल राफेल गूंजने लगा। एक छोटा बात नहीं है या एक छोटी सी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ा समस्या है और आप ये नहीं कह सकते कि ये पेपर में आया है ला के पढ़, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी एम राम ने हिंदू में फ्रंट पेज से लिखा था मगर और अभी नोट के साथ पब्लिश हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में क्या हुआ, ये सभी आप बाहर आया। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू मैडम स्पीकर दैट ड्यूरिंग माई रिप्लाई ऑन 4th January आई हैड वेरी क्लियरली पॉइंटेड आउट दिस पर्टिकुलर एलिगेशन ऑल्सो अबाउट द सस्पेक्टेड इंटरफियरेंस बाई द पीएमओ एंड गेव अ रिप्लाई इवन ऑन द 4th January अबाउट इट दैट व्हेन पीरियोडिकली पीएमओ inquires about the progress of any work that cannot be construed as interference. लेकिन राहुल ने जो आरोप लगाया वो पूरा सच नहीं था। राहुल ने जैसे ही रक्षा सचिव का नोट जारी किया कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्रालय ने भी एक नोट जारी कर दिया। ये नोट तत्कालीन रक्षा मंत्री ने तत्कालीन रक्षा सचिव एसके शर्मा की टिप्पणी के बाद लिखा था। हमें लगता है कि पीएमओ और फ्रांस के राष्ट्रपति का दफ्तर पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहा है। पैरा 5 में ओवर रिएक्शन का आभास मिलता है। डिफेंस सचिव अपनी आशंका पीएम के मुख्य सचिव से बात कर दूर कर सकते हैं। राफेल डील पर निगोशिएशंस को लेकर जिस मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है उस पर पूर्व रक्षा सचिव से इंडिया न्यूज ने बातचीत की, आप वो भी सुनिए। हेलो, इज दिस मिस्टर जी मोहन कुमार? हेलो, या सर, दिस इज शालिनी फ्रॉम न्यूज डेस्क। So you have given an interview to ANI that, you know, whatever the deal was, it was on the basis of general terms and conditions, the Rafale negotiation. No, not at all. Negotiation means what? Negotiation means it includes price and terms and conditions, another thing. Okay. So, I mean, there will be some conditions. We may like to... What kind of negotiations it was? What negotiation? It was by a negotiation committee, by the ministry. Okay. So it was clearly done by them and there was nobody else doing the negotiation. And if somebody else done something else, you know, that did not affect our price negotiation anyway. Let me tell you that. राहुल के आरोप पर सरकार ने जवाब दिया है कि राहुल अधूरे तथ्यों को पेश कर रहे हैं। चुनाव के दिन है इसलिए आरोप प्रत्यारोप का एक खेल बंद होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने आज ये भी साफ किया कि पिछले महीने 29 जनवरी को जब वो गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से मिले थे तो उन्होंने राफेल डील के बारे में उनसे कोई बात नहीं की। पर्रिकर जी से मैं मिला, दैट वाज अ कर्टेसी कॉल। आई डिड नॉट डिस्कस दिस मैटर विद हिम, इट वुड हैव बीन इनअप्रोप्रिएट टू डिस्कस सच अ मैटर व्हेन मिस्टर पर्रिकर इज नॉट वेल। आई डिडंट वांट टू इन्वॉल्व हिम इन दिस। उसमें एक बात मैंने अपने मतलब उनको चिट्ठी लिखी, उसमें मैं एक बात रिजर्व करता हूं कि मैं आपसे मिला हूं,
इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी के बारे में, राफेल के बारे में बात नहीं उठाऊंगा। और जो उनका जो पर्सनल कॉन्वर्सेशन था, और वो उनकी हेल्थ के बारे में था, उनकी फैमिली के बारे में था, वहां पे ये कोई बात नहीं हुई। दरअसल इस मुलाकात के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर परिकर ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि राहुल ने उनसे मुलाकात का सियासी इस्तेमाल किया है। हालांकि राहुल गांधी ने उस समय ट्विटर पर भी इस मुलाकात को व्यक्तिगत ही बताया था। मनोहर परिकर कैंसर से पीड़ित हैं और राहुल उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। हालांकि राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि जब परिकर रक्षा मंत्री थे तब उनसे बिना पूछे ही पीएम मोदी ने राफेल डील फाइनल कर दी थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी रंग में ढल गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में किसान रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने किए और पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को डराकर कोई भी काम कराया जा सकता है। जब हमने किसानों की कर्ज माफी की तो वो घबरा गए। मोदी जी ने किसानों को दिन के 70 रुपए देने का ऐलान किया और संसद में बीजेपी के लोग उत्साह में तालियां बजाते नजर आए। कमलनाथ जी ने जो वायदा किया था, हमने जो वायदा किया था वो हमने पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी घबराए, मैं समझ गया हूं। नरेंद्र मोदी जी को डरा के आप कोई भी काम करा सकते हो। आप देखिए, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर्जा माफ होगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं ठीक है भैया, मैं भी किसानों के लिए काम करता हूं। लोकसभा में बीजेपी के एमपीज ने 5 मिनट ऐसे ताली बजाई, धड़ 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 धड़। मैंने सोचा भैया क्या कर दिया, मतलब ये 5 मिनट धड़ा धड़ सिंधिया जी से बैठे हुए थे वहां पे। मैंने पूछा क्या कर दिया इन्होंने 5 मिनट। पता लगा 17 रुपए। अरे भाई 17 रुपए, नरेंद्र मोदी जी ने 17 रुपए दिन के हिंदुस्तान के किसान को पैसा दिया, 17 रुपए। और वहां धड़ाधड़ तापी ताली, धड़ाधड़ ताली, धड़ाधड़ ताली। एक तरफ 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ, और इधर 17 रुपए। राहुल ने राफेल डील को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय का हर अफसर कहता है कि चौकीदार चोर है। संसद में पीएम मोदी ने 1.5 घंटे भाषण दिया लेकिन राफेल की बात तक नहीं की। अच्छा, आज सुबह पता लगता है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, रक्षा मंत्रालय के अफसर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राफेल मामले में डायरेक्ट बिना रक्षा मंत्रालय को बताए प्रधानमंत्री ने फ्रांस की सरकार से सौदा किया। रक्षा मंत्री का हर अफसर कहता है कि चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। राहुल गांधी ने कहा कि 56 इंच की छाती वाले पीएम मोदी जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, अब वो कांग्रेस को मिटाने की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी भाषण यू देते थे, मैं 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। आज नरेंद्र मोदी भाषण यू देते हैं, कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा। अरे भैया कहां मिटाई, मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, राजस्थान में बन गई, छत्तीसगढ़ में बन गई, दिल्ली में बनने जा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन देश में पोस्टर पॉलिटिक्स पूरे चरम पर है। भोपाल में राहुल की किसान रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में मोदी को रावण और राहुल को राम अवतार में दिखाया। हालांकि विवाद बढ़ता देख के पोस्टर बाद में हटा लिए गए। मिशन 2019 के चुनावी शंखनाद से पहले भोपाल में लगे इस पोस्टर पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है।
इस पोस्टर को गौर से देखिए, पोस्टर को गौर से देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 सिर वाले रावण के रूप में दिखाया गया है, जबकि राहुल गांधी एक बार फिर धनुष बाण हाथ में लिए राम अवतार में नजर आ रहे हैं। साथ ही इस पोस्टर में बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक नारा भी लिखा है, चोरों तुम्हारी खैर नहीं, हम राम भक्त हैं, चोरों के अलावा किसी से बैर नहीं। इस पोस्टर में नीचे की तरफ राफेल की तस्वीर के साथ मुद्दे को उठाया गया है, जिसमें चौकीदार ही चोर है भी लिखा गया है। बताया जा रहा है भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे से पहले अति उत्साहित कार्यकर्ताओं ने इस तरह के होर्डिंग शहर के सबसे व्यस्त रोड चेतक ब्रिज पर लगाए हैं। कांग्रेस समर्थक सूरज तिवारी फैंस क्लब की ओर से लगाए गए पोस्टर के जरिए यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी ही अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे। हालांकि बाद में विवाद बढ़ने के बाद ये पोस्टर हटा लिए गए। कांग्रेस की पोस्टर पॉलिटिक्स पर बीजेपी हमलावर है और राहुल गांधी को राम भक्त और शिव भक्त की जगह रॉबर्ट वाड्रा भक्त बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडे को लेकर कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग वही हैं, राहुल गांधी वही हैं, जो हर प्रदेश में अपनी जाति बदल लेते हैं। राम वन गमन यात्रा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, उसका फंड एलोकेशन का क्या हुआ और क्यों धर्म के नाम पे जो बीजेपी ने ढोल मंजीरे पंचायतों तक बांटे थे उसका पैसा वापस बुला लिया गया। ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी है, ये ना राम भक्त हो सकते हैं ना शिव भक्त हो सकते हैं, ये केवल रॉबर्ट भक्त हो सकते हैं। कई लोगों ने जो वहां पे होर्डिंग्स लगाए, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, और सबकी अपनी अपनी वॉइस, अपनी अपनी बात है, और देश के अंदर लोगों का मानना भी है कि देश में अगर राम भाव लाना है तो प्रेम के भाव से आएगा। जो कट्टरता का भाव, जो डर का भाव, वो कभी ना तो राम के भाव में रहा है ना राम के चरित्र में रहा है। वो स्पष्ट रूप से जो दूसरी भारतीय जनता पार्टी है, भगवान राम उनके लिए चुनावी एजेंडे के अलावा कुछ भी नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पीछे मूर्ति घोटाले का भूत पीछे पड़ता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि अपनी और हाथियों की मूर्ति बनाने में जितना पैसा जनता के खर्च से लिया गया है उसे अपनी जेब से सरकारी खजाने में जमा करना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल मायावती की मुश्किलें बढ़ने की वजह है दिल्ली से सटे नोएडा में लगी है मूर्तियां, जिन पर लाखों रुपया खर्च किया गया है। लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही मूर्तियां बनवाई गई हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मायावती इन मूर्तियों को बनवाने पर हुआ खर्चा अपनी जेब से सरकारी खजाने में जमा कराएं। ये पब्लिक वेस्टेज ऑफ फंड्स था, 4,000 करोड़ रुपया का सिर्फ एक आदमी के पर्सनल गेन के लिए लगाया गया है, तो ये गलत है और इसमें कहीं ना कहीं ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इसलिए कोर्ट को इस पे रुक इसमें इनसे वापसी लेनी चाहिए। और इलेक्शन सिंबल्स लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री की खुद की मूर्तियां लगाई गई हैं, तो ये सब चीजें। अगली सुनवाई कब होगी और अगली सुनवाई में आज एक चीज और बताइएगा कि आज मायावती की वकील का जवाब क्या था? उनका जवाब लगातार ये रहा है, डिफेंस रहा है कि चूंकि ये पब्लिक ये असेंबली में इसको लीगली पास कराया गया था इस बजट को, तो इसलिए पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनती है। दरअसल मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए लखनऊ और नोएडा में दो बड़े पार्क बनवाए थे। इन पार्कों में उन्होंने खुद अपनी, भीमराव अंबेडकर, कांचीराम और पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां लगवाई, जिसके निर्माण पर लाखों रुपया खर्च किया गया। साल 2012 में जब सूबे में अखिलेश सरकार बनी तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट सामने आई। दावा किया गया कि इन मूर्तियों पर करीब 5,919 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इन पार्क और मूर्तियों के रखरखाव के लिए 5,634 कर्मचारी बहाल किए गए थे। इसमें हाथी की मूर्तियों में बड़ी धनराशि खर्च करने का भी आरोप लगा था, जबकि अखिलेश यादव ने इस मामले को जोर शोर से उठाते हुए मायावती पर 40,000 करोड़ के मूर्ति घोटाले का आरोप लगाया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील और पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को कहा कि अपने मुवक्किल को बता दीजिए कि उन्हें मूर्तियों पर खर्च पैसे को राज्य के सरकारी खजाने में वापस जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश दे दिया कि पैसा जमा कर दिए? सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन वो माना जाता है जो कि ऑर्डर में लिखा होता है। सुप्रीम कोर्ट ओरली अपनी क्या बात कहती है वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता,
वो आप लोग उसको ऑब्जर्वेशन बना देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तो अभी इसमें पूरे मैटर को सुनेगी, अभी तो सुना ही नहीं है। आज तो सिर्फ 3 अप्रैल की तारीख लगाई है, हेयरिंग होगी उस दिन, उसमें सारी चीजें देखी जाएंगी, उसमें देखा जाएगा कि क्या स्कोप है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर अगर कोई एक्ट पास करती है तो उसमें इंटरफेरेंस कितना हो सकता है कि नहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये 5 जजेस के एक नहीं 2-2 जजमेंट है, वो देखे जाएंगे कि उनको क्या ओवर रूल करा जाएगा या उनको कंसिडर करके क्या निर्णय होगा। ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि पैसा जमा हो जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत। बीजेपी के खिलाफ भले ही माया और अखिलेश ने सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन कर लिया हो, लेकिन 2019 चुनाव से पहले एक तरफ जहां अखिलेश सरकार के लिए रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब माया के पीछे मूर्तियों के घोटाले का भूत पीछे पड़ता दिखाई दे रहा है। खबर है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन कर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब की 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी 8 और बीएसपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में बीएसपी को फिरोजपुर, जालंधर, पटियाला, होशियारपुर और बठिंडा सीट दी जा रही है। बताया गया है कि जल्द ही दोनों पार्टियां गठबंधन का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर देंगी। कर्नाटक में शव और मात का खेल चरम पर है। कांग्रेस ने आज बागियों पर कड़ी कार्रवाई की तो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगा दिए। चुनावी माहौल में दक्षिण भारत में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 2 ऑडियो क्लिप जारी किए और दावा किया कि इस ऑडियो में कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा की आवाज है, जिन्होंने जेडीएस विधायक नागन गौड़ा को लुभाने की कोशिश की। नागन गौड़ा के बेटे शरण गौड़ा ने भी मीडिया के सामने दावा किया कि ये क्लिप सही है और येदियुरप्पा ने उन्हें कॉल किया था। कुमार स्वामी ने दावा किया कि बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि येदियुरप्पा ने कॉल पर ये भी कहा था कि विधानसभा स्पीकर को भी 50 करोड़ में खरीद लिया गया है। कुमार स्वामी ने इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। पीएम मोदी से जवाब मांगते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की जानकारी के बगैर ऐसा करना संभव नहीं है। Projecting himself, savior of this country, and totally demolished corruption system. Other side, what his friends are doing, how he is encouraging his colleagues, he is encouraging his friends to demolish this democracy system in this country by using this same black money. लेकिन बीएस येदियुरप्पा ने इन ऑडियो क्लिप्स को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऑडियो मेरी साबित हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। अवर चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी इज अ फिल्म प्रोड्यूसर, इज एक्सपर्ट इन वॉइस रिकॉर्डिंग एंड प्रोड्यूस एनीथिंग इन ही वांट्स, सो whatever he has given the statement today in press meet, they're baseless, that's all I can say. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने बागी विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की है। व्हिप के बावजूद सदन में ना पहुंचने वाले 4 विधायकों को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। इनमें बागी विधायक रमेश झारकिलोही, महेश कुमातल्ली, उमेश जाधव और बी नागेंद्र शामिल है। खबर तो ये है कि कुछ और कांग्रेसी विधायक कुमार स्वामी को बीच मझधार में छोड़ सकते हैं। इस सियासी बवाल के बीच आज मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने विधानसभा में बजट पेश किया, लेकिन बजट की कॉपी पहले ही विधायकों को नहीं दी गई। उन्हें डर था कि विपक्षी पेपर प्लेन बनाकर फेंक सकते हैं। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वैसे कांग्रेस की अपने विधायकों पर कार्रवाई से साफ हो गया कि कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन वाली सरकार खतरे में है और अगर हालात काबू में नहीं किए गए तो सरकार गिर भी सकती है। कुमार स्वामी ने येदियुरप्पा पर विधायकों की खरीद फरोख का आरोप लगाया तो एक वकील ने येदियुरप्पा पर विधायकों की किडनैपिंग का ही केस दर्ज करा दिया।
कांग्रेस के कई विधायकों और दो निर्दलीय विधायकों के मुंबई के एक होटल में होने की खबर है। इस पर आरएलएन मूर्ति नाम के वकील ने वीएस येदुरप्पा के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि बीएस येदुरप्पा और बीजेपी विधायक डॉक्टर अश्वथ नारायण ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कई विधायकों को अगवा किया है और गैर कानूनी ढंग से विधायकों को बजट सत्र में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। आरोपी कर्नाटक की जनभावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस भी यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी है। खबर ये भी है कि बीजेपी ऑपरेशन कमल के तहत कुमारस्वामी की सरकार गिराने की कोशिश में है। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं, इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा बैठता है 113। फिलहाल कांग्रेस के पास 80 विधायक हैं, जबकि जेडीएस के पास 38 सीटें हैं। वहीं बीजेपी के पास 104 एमएलए हैं और 3 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार के पास फिलहाल 118 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के 10 और जेडीएस का एक विधायक पाला बदल ले तो ये आंकड़ा 107 पर आ जाएगा, यानी कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर जाएगी। वहीं अगर बीजेपी के मौजूदा 104 विधायकों में 11 विधायकों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 115 पर पहुंच जाएगा, यानी बहुमत से 2 ज्यादा, जिसका मतलब है बीजेपी सरकार बना सकती है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। नहले पे दहला में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के रुड़की और उससे सटे यूपी के सहारनपुर में जहरीली शराब ने करीब 30 लोगों की जान ले ली है, जिसके बाद मारे गए लोगों के परिवारों में मातम और हाहाकार मच गया है। इसके अलावा यूपी के कुशीनगर में भी 10 लोग जहरीली शराब की वजह से मारे गए, जिससे शराब से मारे गए लोगों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। गुरुवार और शुक्रवार का दिन यूपी और उत्तराखंड के कई घरों में मातम लेकर आया, वजह थी जहरीली शराब। इन दो तस्वीरों में एक तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की की है और दूसरी यूपी के सहारनपुर की। बताया गया कि दोनों ही जगह जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए, जबकि कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के भगवानपुर में अवैध रूप से बनाई गई जहरीली शराब पीने से ये मौतें हुई। रुड़की की बात करें तो यहाँ गुरुवार की शाम कई लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कहा जा रहा है कि अब तक यहाँ 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। सहारनपुर में भी शराब से हुई मौतों के बाद मातम पसर गया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने गुरुवार शाम और रात के वक्त शराब पी थी, इसके बाद शुक्रवार देर रात सभी की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई तो इन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सुबह होते होते एक एक कर लोग मरने लगे। बताया गया कि मारे गए लोगों में शराब बेचने वाला पिंटू नाम का आदमी भी था। घटना कितने लोग लगभग जिन्होंने शराब पी थी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने भी जितने भी बीमार हो रहे इससे नहीं आ रहे। इस बीच शराब से हुई मौतों के बाद मारे गए लोगों के परिवार वालों में गम और गुस्सा देखने को मिला। कुछ लोगों ने शवों को पोस्टमार्टम कराए जाने का विरोध किया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर इन लोगों को मनाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर शराब पीने से बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद ये हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे लगे उत्तराखंड के रुड़की का है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से 5 और लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। जहरीली शराब से हुई मौतों पर सरकारी मुआवजे का मरहम भी लगाया गया। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे में देने की घोषणा की गई, जबकि बीमार लोगों को 50-50 हजार रुपए देने का आश्वासन किया गया है। साथ ही मामले में कड़ी जांच के आदेश भी दिए गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। 95,000 करोड़ का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों और गरीबों के लिए राजकोष के दरवाजे खोल दिए। सबसे ज्यादा किसानों पर फोकस करते हुए उनके लिए बजट में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बघेल सरकार ने अपना एक और बड़ा चुनावी वादा पूरे करते हुए बजट में बिजली का बिल हाफ कर दिया है। उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ होगा, इसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खास बात है कि बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। इसके अलावा हर राशन कार्ड पर 35 किलो चावल देने का ऐलान किया गया है। साथ ही विधायक निधि बढ़ाकर 2 करोड़ की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया है। हमारे साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बजट का संदेश क्या है? बजट का संदेश यही कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और ये आम जनता को लेकर ये बजट है। यहाँ गरीबों को 35 किलो चावल हम दे रहे हैं, आदिवासियों की जो मेहनत है उसका सम्मान हो रहा है। 2500 प्रति महीना बोरा के बदले हम 4000 में ले रहे हैं। वहीं जो लघु वनोपज में केवल 7 वस्तुओं की खरीदी करते थे, अब उसको 8 और हमने शामिल किया है, तो इस प्रकार 15 वस्तुओं की हम समर्थन मूल्य में खरीदी करेंगे। वहीं बिजली बिल है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आधा किया गया है, वो पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। किसानों के ऋण माफी के साथ साथ 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदी का निर्णय हमने लिया है और अगले साल के लिए भी वो प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक